हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनबी ओपिनियम का 5.22 का सी पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम का कर रहे हैं हम। 5.22 का सी पार्ट एक्सी टू डी पावर जी ओमेगा गिवन है। एक्सी टू डी पावर जी ओमेगा इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस जी ओमेगा बाई टू फोर ओमेगा लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई से पाई के बीच ओमेगा लाई कर रहा है और यही फिर 2 पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। ऐसे नॉर्मली इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, 2 पाई अपॉन 1 बाई 2। अगर इसको देखेंगे तो ये 4 पाई से पीरियोडिक होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो ये जो एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा है ना, वो 4 पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक होता है। लेकिन ये 4 पाई नहीं बोला है, माइनस पाई से पाई के बीच ये वाली वैल्यू है। और फिर यही वाली वैल्यू 2 पाई टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। अगर ये नहीं दिया होता तब तो हम सिंपल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर यूज करके 1 का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल एन होता है, फिर ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2, ये शिफ्टिंग नॉर्मली हो जाता है। लेकिन ये दे रखा है माइनस पाई से पाई के बीच ये वैल्यू है, सिंपल एक्सपोनेंशियल या साइनोसाइडल सिग्नल नहीं है। एक्सपोनेंशियल या साइनोसाइडल होगा तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके ही इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। तो इसके लिए जो एक्स एन इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल, एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा, ई टू डी पावर जे ओमेगा एंड डी ओमेगा, इसी वाले फॉर्मूले से इसको करना है। एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा की जगह पर ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2 पुट कर दे तो हो जाएगा 1 बाई 2 पाई माइनस पाई टू पाई ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2 ई टू डी पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा। बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा, एड कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 बाई 2 पाई माइनस पाई टू पाई ई टू डी पावर जे ओमेगा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एन माइनस 1 बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू डी पावर एक्स डिवाइड बाई ए, तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको जल्दी से। ये बन गया हमारा माइनस पाई टू पाई एन माइनस 1 बाई, अरे इंटीग्रेट तो कर दू, एन माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई जे एन माइनस 1 बाई 2 माइनस पाई टू पाई। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, करिए 1 बाई 2 पाई जे एन माइनस 1 बाई 2 अलग कर ले, ये बाहर ले लिया हमने, डिनोमिनेटर में तो पुट करना नहीं है, ओमेगा के प्लेस पे ही पुट करना है। तो ई टू डी पावर जे पाई एन माइनस 1 बाई 2 माइनस सी टू डी पावर माइनस जे पाई एन माइनस 1 बाई 2, ये होता है ई टू डी पावर जे थीटा माइनस सी टू डी पावर माइनस जे थीटा, ये होता है 2 जे साइन थीटा। तो अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 1 बाई 2 पाई जे एन माइनस 1 बाई 2 2 जे साइन पाई एन माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 2j 2j कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया साइन पाई एन माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई पाई एन माइनस 1 बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं 2 को, 2 साइन यहां भी पाई बाई 2 इंटू 2 एन माइनस 1, 2 एलसीएम लिया है तो पाई इंटू 2 एन माइनस 1, ये आ गया आंसर, एक्स एन आ गया सिग्नल। यहां साइड में लिख देंगे एन नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, तो डिस्क्रीट सिग्नल है, एन 1 बाई 2 के बराबर कभी होगा भी नहीं, तो ए एक्स एन आ गया। यही इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकलना था। 5.22 में भी ज्यादा दो तीन और नहीं है, इसमें तो भी बहुत सारे है आगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके भी इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के क्वेश्चन आएंगे, फिर आगे देखेंगे। अभी और बहुत सारे एडवांस प्रॉब्लम में बहुत सारे कंसेप्ट अभी आपको सीखने के लिए बाकी है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
नए प्रॉब्लम के साथ 5.22 डी के साथ। धन्यवाद।